जो भी हम खाते हैं वो हमारी किडनी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फल हो, और चाहे वो मसाले ही क्यों ना हो। भारत के अंदर जितने भी प्रकार के खाने बनाए जाते हैं उन सभी में मसालों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल घरों में भी मसालों का प्रयोग किया जाता है खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो आज हम जानेंगे किडनी रोग में ऐसे मसाले जो अगर आप खाते हैं तो आपकी किडनी कभी भी अच्छे से काम नहीं करेगी और वो दिन पे दिन डैमेज होती चली जाएगी। तो नमक भी एक तरीके का मसाला ही है, और जो नमक होता है उसके अंदर सोडियम की मात्रा बहुत अधिक होती है, और किडनी रोग में जो नमक होता है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है किडनी पे। अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है, और आपका जो ब्लड प्रेशर होता है हाई रहने की वजह से आपकी किडनी के जो नेफ्रोन हैं वो डैमेज होते रहते हैं लगातार। साथ में आपके शरीर के अंदर ज़्यादा नमक खाने से एक्स्ट्रा फ्लूड भरने लग जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी जमा हो रहा होता है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से आपके चेहरे पे, आपके टांगों पे और आपके पेट पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आने लग जाती है। तो नमक आपको नहीं खाना है, और जहाँ तक हो सके आप रॉक साल्ट का प्रयोग करें। आप टाटा सोल्ट या सेंधा नमक या काला नमक इनका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, और रॉक सोल्ट भी आपको बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में ही खाना है। मिर्ची खाने में डालने से खाने का स्वाद बेहतरीन हो जाता है, लेकिन किडनी रोगी का किडनी में रोग लगने के बाद क्रिएटिनिन के साथ साथ यूरिया भी बढ़ने लग जाता है। यूरिया लीवर द्वारा बनाया जाता है, और जो यूरिया बनने का मुख्य कारण होता है आपका ज़्यादा ऑयली खाना, ज़्यादा मसालेदार खाना खाना या ज़्यादा चटपटा खाना खाने से यूरिया की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो आपको लाल मिर्ची का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लाल मिर्ची खाने में डाल के खाएंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में खाएंगे, तो इससे आपके जो बॉडी में पानी इकट्ठा हो रखा है उसमें भी ये लाल मिर्च जाके पहुँचेगी और आपकी बॉडी में जलन करेगी, इचिंग करेगी और आपको पाचन के विकार देगी। साथ में आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। तो आपको लाल मिर्ची का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अगर मिर्ची खानी है तो आप हरी मिर्च खा सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सीमित मात्रा में ही हरी मिर्च का भी सेवन करना है। धनिया पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, धनिया पाउडर से कोई भी दिक्कत नहीं है, बल्कि धनिया पाउडर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। धनिया से आपको मूत्र बढ़ता है, धनिया आपके इम्यून सिस्टम को भी अच्छा करता है, तो इसलिए आप धनिया पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खाने में मसाले के तौर पे। हल्दी का भी प्रयोग आप अपने खाने में कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है वो इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। साथ में जो हल्दी होती है वो आप किडनी में चल रहे डैमेज को भी रोकती है, और आपको एंटी बैक्टीरियल की प्रोटेक्शन भी देती है, आपके शरीर में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी वो रोकती है। तो हल्दी भी आपको लिमिटेड क्वांटिटी में ही खानी है, क्योंकि हल्दी में पोटेशियम और फॉस्फोरस भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसके बाद आपको गरम मसाले या लौंग या इस तरीके के कोई भी मसाले आपको नहीं खाने हैं। गरम मसाला आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। गरम मसाले का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें खाने में, क्योंकि गरम मसाले में बहुत सारे मसालों का प्रयोग किया जाता है, और ये मसाला बहुत ज़्यादा तीखा हो जाता है, और इस मसाले को लेने से आपके शरीर में क्रिएटिनिन की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो इसलिए गर्म मसाले का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको अपने खाने में टेस्ट लाना है तो आप सिर्फ काली मिर्च का ही प्रयोग करें। तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।